हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जियो इंस्टीट्यूट पर बोले केजरीवाल, पहले अंबानी की जेब में कांग्रेस थी, अब मोदी सरकार है। सत्ता बदली मगर मालिक नहीं बदला। मोदी सरकार शिक्षा बजट में भले ही कटौती करती रहे मगर उसकी कोशिश यही रहती है कि कैसे भी करके जनता की नजरों में सरकार के नंबर बढ़ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ बीते सोमवार को, जहां जियो इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का विशेष रूप से फंडिंग मिलेगी। इनमें फिलहाल सिर्फ सरकारी संस्थानों के नाम है मगर 3 प्राइवेट शिक्षा संस्थानों को भी इसमें शामिल किया। इनमें जियो इंस्टीट्यूट जैसे नाम शामिल है जो सिर्फ अभी कागजों पर है, हकीकत में नहीं। जैसे अन्य 2 यूनिवर्सिटी है वैसे नहीं। इसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे है कि पीएम मोदी ने अपने करीबी माने जाने वाले मुकेश अंबानी को जियो इंस्टीट्यूट की सौगात दी है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले कांग्रेस सरकार अंबानी की जेब में थी, अब मोदी सरकार अंबानी की जेब में है। कुछ भी बदला क्या? बता दें कि मोदी सरकार ने 3 सार्वजनिक और 3 निजी यूनिवर्सिटीज को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस लिस्ट में शामिल किया है, जिनमें जियो इंस्टीट्यूट भी शामिल है। जियो इंस्टीट्यूट पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि ये कंपनी फिलहाल कागजी है। यूजीसी के अनुसार जियो इंस्टीट्यूट 3 साल बाद वजूद में आएगा तो इसके पास अधिक ऑटोनॉमी होगी। जियो को ग्रीन फील्ड कैटेगरी के अधीन चुना गया है। आईएएस टॉपर शाह फैजल पर सरकार ने की कार्रवाई। आईएएस ने कहा, लोकतांत्रिक देश में दबाई जा रही है आवाज। वर्ष 2010 के आईएएस टॉपर शाह फैजल को सिर्फ इसलिए कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने सच को बयां कर दिया। फैजल ने देश में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में बलात्कार के बढ़ते मामलों को लेकर ट्वीट किया, लेकिन सरकार के मुताबिक ये सही नहीं है। फैजल ने ट्वीट में कहा था कि पितृसत्ता, अशिक्षा, पौन तकनीक, शराब, अराजकता, भूखमरी के कारण साउथ एशिया रेपिस्तान बनता जा रहा है। फैजल के खिलाफ केंद्र सरकार के पर्सनल एवं ट्रेनिंग विभाग की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर जनरल प्रशासनिक विभाग जीएडी ने विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। शाह फैजल को भेजे गए पत्र में जीएडी के कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा है कि उन्होंने भारतीय सर्विस रूल 1968 का उल्लंघन किया है। आईएएस अफसर होने के नाते फैजल ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। एक जन सेवक को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए। फैजल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी जीएडी ने उन्हें भेजा है। अब फैजल ने सरकार के इस रवैये को अलोकतांत्रिक बताते हुए ट्वीट किया है। स्टडी लीव पर चल रहे फैजल ने जीएडी के पत्र को लव लेटर करार देकर दोबारा ट्वीट किया और उक्त पत्र को भी ट्विटर पर डाला है। उन्होंने कहा कि विडंबना ये है कि लोकतांत्रिक भारत में औपनिवेशिक कानूनों को आजादी को दबाने के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है। केंद्र सरकार ने फैजल के ट्वीट को सर्विस रूल 1968 का उल्लंघन करार दिया है। फैजल के अनुसार वह इस रूल को बदलना चाहते हैं, बस यही उनकी मंशा थी। लोकतंत्र का गला घोटने के लिए मोदी सरकार की बड़ी चाल, जेएनयू में धरना प्रदर्शन पर लगाई गई रोक। 2014 में कांग्रेस गई और बीजेपी आई। इस सत्ता परिवर्तन को 4 साल बीत चुके हैं। इन 4 सालों में मोदी सरकार अतीत में जाकर नेहरू की कमियों को खोजती रही।
इतना ही नहीं, नेहरू के नाम से जुड़ा एक विश्वविद्यालय भी सत्ताधारियों के निशाने पर रहा। कभी कथित देशद्रोही नारों के लिए तो कभी कैंपस में टैंक रखने, कभी 75% अटेंडेंस कंपलसरी को लेकर। ताजा विवाद उपजा है एक अंडरटेकिंग को लेकर। दरअसल जेएनयू प्रशासन चाहता है कि उसके छात्र भविष्य में किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरना, हड़ताल आदि में शामिल ना हो। इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर छात्रों से अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जा रहा है। जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर दिलीप यादव ने अंडरटेकिंग फॉर्म की फोटो अपने फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए लिखा है, जेएनयू एडमिन का नया फरमान, दिल्ली हाईकोर्ट के बहाने अब जेएनयू स्टूडेंट्स को अंडरटेकिंग देनी होगी, कोई प्रोटेस्ट ना करे, स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स का गला घोटकर तैयार हो जाए अपने अधिकार को देने। ये अंडरटेकिंग जेएनयू का गला घोटने जैसा है। प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, रैली, बहस, ये सब जेएनयू कल्चर का हिस्सा है। इस कैंपस का लोकतांत्रिक माहौल, आजादी ही इसे सबसे अलग बनाता है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ के छात्र सिर्फ प्रदर्शन, धरना, हड़ताल के नाम पर सिर्फ राजनीति ही करना चाहते हैं। जेएनयू पढ़ाई के मामले में भी देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। अगर जेएनयू में सिर्फ राजनीति ही होती है तो इतने सालों से जेएनयू देश में टॉप पर कैसे बना हुआ है? क्यों जेएनयू को सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? जेएनयू ने इतना कुछ प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, रैली, बहस और पढ़ाई करते हुए हासिल किया है। इसलिए ये तर्क बेकार है कि जेएनयू में छात्र सिर्फ राजनीति करते हैं, पढ़ाई नहीं। और छात्र राजनीति क्यों ना करे, विश्वविद्यालय में राजनीति क्यों ना हो? भगत सिंह ने जुलाई 1928 में छात्र राजनीति पर मचे बवाल को लेकर एक लेख लिखा था। भगत सिंह का मानना था कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। ये हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ खलड़की करने के लिए ही हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? ये है पीएम मोदी का वाइब्रेंट गुजरात, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस गुजरात मॉडल की तस्वीर दिखाई गई वो झूठी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी जहां से वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वहां की हालत गंभीर है। देश और दुनिया में गुजरात के नाम पर डंका बजने के बाद अब गुजरात का असल मॉडल सामने आ गया है। गुजरात के खेरा जिले में नायका और भैराई गांव को जोड़ने वाला एक ब्रिज टूटने के कारण बच्चे स्कूल रोज जान को जोखिम में डालकर जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को लेकर कई बड़े दावे किए थे, मगर उन सारे दावे की पोल अब धीरे धीरे खुलती नजर आ रही है। क्योंकि जिस गुजरात में बच्चों को स्कूल जाने के लिए 9 फीट ऊंचे नाले पर चढ़कर पार करना पड़े, ऐसे वाइब्रेंट गुजरात की तस्वीर शायद न्यूज चैनलों के प्राइम टाइम में देखने को ना मिले। प्रशासन का कहना है कि बारिश की वजह से अभी इस ब्रिज का काम नहीं शुरू हो पाया है। इसका मतलब ये कि अब बच्चों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो घर बैठ जाए या फिर ब्रिज को पार कर स्कूल जाए, मगर स्कूल जाने में जोखिम है। अगर इस दौरान कोई घटना होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी है, प्रशासन की या फिर बच्चों की? गांव वालों ने कई बार ब्रिज बनाने को लेकर अर्जी दी, मगर ब्रिज नहीं बन पाया। प्रशासन की इस लापरवाही से पुल बना नहीं और बच्चे और गांव वाले अपनी जान पर खेलकर रोज इस पुल को पार कर रहे हैं। झारखंड में 2000 मोटरसाइकिल की रैली निकालकर क्या अमित शाह भूख से हुई मौतों का जश्न मना रहे हैं? हेमंत सोरेन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंच चुके हैं।
रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका ताशा पार्टी, नगारा, छऊ नृत्य, सुनामी ताशा के साथ भव्य स्वागत किया गया। सीएम रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत सैकड़ों नेता कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। अमित शाह के आगमन पर भाजुओमों ने भी उनका जबरदस्त स्वागत किया। एयरपोर्ट से जब वो हड़मू स्थित पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हुए तो उनके काफिले के आगे 2000 मोटरसाइकिल पर सवार भाजुओमो कार्यकर्ता ने अगुवाई की। काफिले के आगे 50 बुलेट पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कुर्ता पजामा और पगड़ी पहने हुए दिखाई दिए। अमित शाह के भव्य स्वागत को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने उन पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा, 2000 मोटरसाइकिल की रैली के माध्यम से अमित शाह जी किस चीज का जश्न मना रहे हैं? झारखंड में भूख से हो रही मौतों का या गोड्डा में मित्र अदानी को औने पौने दाम पर मिली जमीन का? बता दे कि झारखंड में बीते कई महीनों से भूख के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सितंबर 2017 से झारखंड में 10 से अधिक भूख से संबंधित मौतें हो चुकी है। पिछले महीने ही राज्य में भूख से 3 लोगों की मौत हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास पर आरोप है कि वो अपने उद्योगपति दोस्त को फायदा पहुंचाने में लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने गोड्डा में अडानी को पावर प्लांट के लिए किसानों की जमीन को सस्ते में बेचा है, जबकि अडानी के पावर प्लांट से स्थानीय लोगों को फायदा नहीं है। गौरतलब है कि बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा मिशन 2019 के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में अगले साल विधानसभा व लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि शाह इस बार चुनावी राजनीति बनाने के लिए रांची पहुंचे हैं। इससे पहले वे पिछले साल सितंबर में झारखंड पहुंचे थे। शाह के दौरे को लेकर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।